हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक और नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे जीरा का होलसेल प्राइस कि जीरा एक झाल एक दुकानदार को कितने पड़ता है और ये एक झिल्ली के अंदर कितनी पैकेट जीरा होता है और ये पूरी झिल्ली जीरा पैकेट सेल करने पर एक दुकानदार को कितना फ़ायदा होता है। तो गाइस ये मैंने आज लिया है और गाइस ये एक झिल्ली के अंदर 40 पैकेट जीरा होता है और गाइस ये एक झिल्ली हमें पड़ा है 600 रुपये का। अब गाइस बात करते हैं कि ये कितने रुपये में सेल होता है और कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है एक दुकानदार को। तो गाइस ये जीरा एक पैकेट एक दुकानदार को पड़ता है 15 रुपये में और गाइस ये 18 रुपये में सेल होता है एक पैकेट। एक पैकेट जीरा को सेल करने पर 3 रुपये प्रॉफिट मार्जिन होता है एक दुकानदार को। अगर दुकानदार इसे रिटेल में यानी कि अगर फुटकर में सेल करता है खुलते में तो 5 रुपये फ़ायदा होता है ये जीरा का पैकेट सेल करने पर। गाइस ये पूरी झिल्ली को सेल करने पर एक दुकानदार को 120 रुपये फ़ायदा होता है अगर इसे 18 रुपये में सेल करते हैं तो। अगर खुलते में सेल करते हैं एक एक करके तो गाइस ये जीरा की पूरी झिल्ली सेल करने पर एक दुकानदार को 150 रुपये प्रॉफिट होता है क्योंकि गाइस हमारे यहाँ ये एक पैकेट 18 रुपये में सेल होता है ना, कहीं कहीं 20 रुपये में सेल होता है, हर जगह का रेट अलग होता है। और गाइस इसका जो होलसेल रेट है 1 रुपये 2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है जीरे के ऊपर जीरा किस तरह से है ना। कोई 14 रुपये में जीरा आती है एक पैकेट मिलता है दुकानदार को, बट गाइस ये एक पैकेट जीरा एक दुकानदार को 15 रुपये पड़ता है अच्छी वाली, जो नॉर्मल में आती है ना वो 14 रुपये में पड़ता है। बढ़ गई जो सही क्वालिटी का जीरा होता है ना एक पैकेट एक दुकानदार को पड़ता है 15 रुपये में। एक जीरा सेल करने पर एक रिटेल दुकानदार को 13 रुपये प्रॉफिट मार्जिन होता है, पूरी जेल सेल करने पर 120 रुपये में फायदा होता है। तो आपके यहाँ जीरा की पैकेट का होलसेल रेट क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो तक फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।